नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर एडमिशन की मांग को लेकर के छात्रों का धरना चौथे दिन जारी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के गेट के समक्ष चल रहा है धरना। डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्र बैठे धरने पर। विश्वविद्यालय के कुलपति व रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी। बीसी वर्ग की पीएचडी सीटों पर आवेदन के बाद नहीं हो रहे एडमिशन। दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सिरसा एसपी को शिकायतें। पलपल सिरसा से खास रिपोर्ट। पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर एडमिशन नहीं होने के चलते छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ इंडिया के बैनर तले धरना चौथे दिन जारी रखा। धरना विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर सामने दिया जा रहा है। धरने पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति व रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के नियमों की अनदेखी करते हुए बीसी वर्ग की सीटों पर जनरल कोटे में बदल दिया है। नियमानुसार बीसी कोटे की सीटों में किसी भी कैटेगरी में नहीं बदला जा सकता। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें धरना समाप्त करने की अपील भी की है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक री एडवाइजमेंट की कॉपी नहीं दी जाती तब तक सीटों में बदलाव करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सीटों में बदलाव करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर के आज सिरसा पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी दी है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी और उनकी मांग को लेकर के SP से शिकायत की है। धरनारत छात्रों का नेतृत्व कर रहे रविंदर बालियान ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आज सिरसा पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत देकर के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज हमारे धरने का चौथा दिन है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि 16 तारीख से हमने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के पार PhD के पुनः एडमिशन को लेकर दाखिला स्टार्ट किया। जो आरक्षण पॉलिसी है, जो हरियाणा सरकार और UGC की गाइडलाइन और भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन का वॉयलेशन करने वाले दोषी टीचिंग व नॉन टीचिंग के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, ये हमारी मांग पहली थी। दूसरी मांग, वैकेंट सीट जो रह रही है यूनिवर्सिटी के अंदर PhD की, इन वर्गों की, इनको रीएडवर्टाइजमेंट दोबारा किया जाए। इसको लेकर कल भी हमने सब यात्रा निकालने का काम किया। प्रशासन की इतनी गंदी मानसिकता, इतनी जातिवादी मानसिकता है कि यूनिवर्सिटी के हमें अंदर हमें एंट्री नहीं दी गई। हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हमने फीस पे किया, हमारा राइट बनता है कैंपस के अंदर जाके हमारे अधिकारी, हमारे नुमाइंदा जो बैठा है सरकार ने इधर बिठा रखा है, उसके आगे हम अपनी समस्या बताए ताकि वो समाधान कर सके। आज इस पूरे मामले को लेकर SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाने के लेकर हम SP साहब को शिकायत दे के आए हैं और अब तुरंत प्रभाव से SP साहब से भी मांग करेंगे, DGP साहब से भी मांग करेंगे, तमाम लोग इसमें मुख्य रूप से देखते हो इस बड़े इशू को, तुरंत इन लोगों पर FIR दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो।